हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज वसंत पंचमी है तो मैंने सोचा आज का वीडियो इसी से रिलेटेड क्यों ना हो। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि कैसे आप लोग बहुत ही कम लाइंस का यूज करके एक सरस्वती माँ का पेंटिंग बना सकते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ मैंने एक A4 शीट लिया है अपने पेंटिंग को बनाने के लिए। सबसे पहले हम अपने शीट पे कुछ बेसिक शेप्स बना लेंगे। शेप्स आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी तरह का शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पेपर के सेंटर पे अपने शेप्स बना रही हूँ, आप चाहे तो कॉर्नर्स पे भी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। शेप ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम अपने शेप्स में कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे। सो कलर फिल करने के लिए हम लोग बहुत ही अर्दी टोन का यूज करेंगे। यहाँ मुझे मेरा कलर डार्क लग रहा था थोड़ा, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा व्हाइट ऐड किया सो दैट कि मेरा कलर थोड़ा लाइट हो जाए। एक एक करके हम अपने सारे शेप्स में फ्लैट कलर फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं अपना दूसरा शेप को कलर करना स्टार्ट कर दी हूँ। एंड जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट शेप में अर्दी टोन रखा था, मैंने इस शेप को भी एक अर्दी टोन का ही कलर करूंगी। सो फटाफट से हम अपना ये शेप भी कंप्लीट कर लेंगे। सो बेसिकली लाइन आर्ट पेंटिंग बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप एक नॉन पेंटर भी हैं तो आप बहुत ही इजीली इस पेंटिंग को बना सकते हैं। सो सारा शेप्स पेंट हो जाने के बाद हम अपनी शीट को सूखने के लिए रख देंगे। सूख जाने के बाद हम अपना बेसिक स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज के थ्रू अपना ड्रॉइंग को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दी हूँ। बहुत ही लाइट पेंसिल से अपना ड्राइंग को ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट कि हमारे पेपर पे मार्क ना रह जाए हमारे पेंसिल ड्राइंग का। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ही लाइट पेंसिल को यूज़ करके अपने स्केच को ड्रॉ करें। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथों पे बहुत कम प्रेशर लगा के ड्रॉ करना है। बेसिकली लाइन आर्ट पेंटिंग में हम लाइंस के थ्रू अपने पूरे कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करते हैं एंड हम जो बैकग्राउंड में अपना शेप्स कलर किए हैं उसके थ्रू हमारे जो हमारा ड्राइंग होता है उसमें कलर फिल होता है। सो जैसा कि मेरा स्केचिंग कंप्लीट हो गया है अब मैं आउटलाइन करना स्टार्ट करूंगी अपने पेंटिंग का। तो यहाँ मैंने माइक्रोन पेन यूज किया है। थिकनेस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना थिकनेस चाहिए। सो धीरे धीरे करके हम अपना कॉम्पोजिशन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं सारे लाइंस को बहुत ही कंटिन्यूअस वे में ड्रॉ कर रही हूँ एंड शार्प एजेस बहुत ही ज्यादा कम रख रही हूँ। यही एक एसेंस होता है लाइन आर्ट पेंटिंग का कि हमारा सारा लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड फील होता है। कोई भी लाइन शार्प नहीं रहता है एंड वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो किसी ना किसी से जॉइंट ही रहता है। सो धीरे धीरे करके हम अपने पूरे कॉम्पोजिशन को आउटलाइन करते जाएंगे एंड अपने लाइंस में कंटिन्यूएशन शो करते जाएंगे। आई होप कि अभी तक आपको कोई भी दिक्कत ना आ रही हो। अगर आप इस कॉम्पोजिशन को रिक्रिएट करते हैं तो मेक श्योर यू शेयर इट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। अगर आप इंस्टाग्राम पे इसको डाल रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो टैग द स्टाइलाइज्ड क्राफ्ट। आई विल लव टू सी योर अटेम्प्ट्स एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि लाइन आर्ट से रिलेटेड मैं और क्या पेंटिंग बनाऊं।
फाइनली मैं अपने लोटस को भी आउटलाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी ये पेंटिंग मैं कंप्लीट करते जा रही हूँ। मैं लाइन आर्ट से रिलेटेड और भी पेंटिंग्स बनाई हूँ, उसका अगर आपको वो देखना होगा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर आप आई बटन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वो पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहां फाइनली हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।